दोस्तों, लीफ माइनर के अटैक से फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है और लीफ माइनर का अटैक अगर ज्यादा है तो कई बार पूरी क्रॉप भी खराब हो जाती है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगी, लीफ माइनर की समस्या क्या है, कौन कौन सी फसलों में लीफ माइनर की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, साथ ही इससे क्या क्या नुकसान होता है। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो लीफ माइनर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो आपको लीफ माइनर को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसके साथ ही फसलों में क्या क्या मैनेजमेंट करते हुए चलना है, यानी कि क्या क्या कार्य करने हैं जिससे लीफ माइनर का अटैक आपकी क्रॉप में देखने को नहीं मिले। लीफ माइनर के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर दोस्तों आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, लीफ माइनर की समस्या क्या है? तो पत्तों के बीच में आपकी कोई भी क्रॉप है उसके पत्ते के ऊपर और नीचे की सतह के बीच में, बीज ऊपर नीचे की परत के बीच में अगर कुछ धारियां सी दिख रही हैं, ये कीट का अटैक है। लार्वा अवस्था में होता है, चार इसकी अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एडल्ट अवस्था में बहुत ही छोटी ये मक्खी होती है, दिखाई नहीं देती है, पत्ते पे अपना एग देती है, पत्ते के बीच में ऊपर और नीचे की परत के बीच में। अब ये एग से जैसे ही लार्वा अवस्था में आएगा तो पत्ते के क्लोरोफिल को खाता है, पत्ते की सेल्स को खाता है, जिससे कि लीफ डैमेज हो जाती है। और लीफ डैमेज होती है तो क्लोरोफिल का निर्माण पौधे नहीं कर पाते हैं, पौधे प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनकी बढ़वा रुक जाती है। और अगर लीफ माइनर का अटैक ज्यादा है तो अगर फल फूल अवस्था में है, फल फूल की भी साइज वगैरह नहीं बनती है, बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। और टमाटर वगैरह जैसी फसलों में अगर अटैक ज्यादा हो गया तो पूरी क्रॉप खराब भी हो जाती है। तो ये इसका अटैक होता है दोस्तों, और लीफ माइनर की समस्या ये होती है। पत्ते पर अगर आपको बिल्कुल लाइनें से दिखाई दे रही हैं, और स्पेशली पुरानी पत्तियों में कोई भी क्रॉप है, बेल वर्गीय फसलें हैं, तरबूज खरबूज है या फिर टमाटर वगैरह है, शिमला मिर्च है, इनकी पत्तियों, निचली पत्तियों को आप जरूर संभालते रहिए, लीफ माइनर का अटैक वहीं से शुरुआत होती है। कौन कौन सी फसलों में इसका अटैक ज्यादा देखने को मिलता है? तो जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं, जैसे अभी तरबूज खरबूज की क्रॉप है तो आप जरूर संभालते रहे, उसके साथ ही और भी बहुत सारी फसलों में इसका अटैक होता है, मिर्च में, शिमला मिर्च में, टमाटर में, टमाटर में बहुत ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो जो भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं दोस्तों, उनको आप जरूर संभालते रहिए, उनमें अटैक ज्यादा देखने को मिलता है। बैंगन में भी इसकी समस्या होती है, कद्दू वगैरह की फसल है उनमें भी इसका अटैक देखने को मिलता है। अब आपको क्रॉप में क्या मैनेजमेंट करके चलना है शुरुआती स्टेज से ही, जिससे कि लीफ माइनर का अटैक ही आपकी क्रॉप में देखने को नहीं मिले। इसके लिए दोस्तों आपको दो तीन काम करने हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप प्लांटेशन करें तो येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाना बहुत जरूरी है। किसी भी टाइप के कीट का अटैक आपके क्रॉप में आप शुरुआती स्टेज में कैसे पहचान कर सकते हैं, वो एक ही तरीका है, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा करके। आप नीले और पीले कलर में जो ट्रैप आते हैं वो आपकी प्लॉट में लगाने हैं। प्लांटेशन कर रहे हैं तभी लगा दें, या फिर जैसे ही सीड आपके जर्मिनेट हो गए, डायरेक्ट आपने प्लॉट में लगाए तो जैसे ही सीड जर्मिनेट हो गए उसी समय आपको ये काम, सबसे पहला काम है। सेकंड, आप फेरोमन ट्रैप भी लगा दीजिए। थर्ड आपको काम करना है, अगर इसका अटैक हो गया और आप देख रहे हैं पुरानी लीफ को संभालना है, पुरानी पत्तियों को संभालते रहना है क्रॉप की, तो एक अगर लीफ में अटैक देख रहे हैं और क्रॉप बड़ी है तो आप उस लीफ को तोड़िए, पूरी क्रॉप में एक बकेट ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, उसमें डालते जाइए और पूरी लीफ को तोड़ करके प्लॉट के बाहर डाल दीजिए। लेकिन अगर आपकी ज्यादा दूरी में खेती है तो फिर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर आपको इंसेक्टीसाइड यूज करने, और इंसेक्टीसाइड भी ऐसे यूज करने जिनमें ट्रांसलेमिनार एक्शन हो, यानी कि आप ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ऊपर से पत्ते के नीचे की तरफ भी वो निकल जाए, अंदर पत्ते के ऊपर और नीचे के बीच की सतह में होता है ये लीफ माइनर। तो लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए उस दवाई में ट्रांसलेमिनार एक्शन होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो कंट्रोल कर पाएगा। इसके लिए दोस्तों ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हैं और पेस्टिसाइड में क्या कर सकते हैं? तो ऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट और सबसे जरूरी है
वो है दोस्तों, अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए। दमन कंपनी का आता है बायो आर 303। किसी भी टाइप की आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं, बेल वर्गीय फसलें हैं, तरबूज खरबूज है, मिर्च टमाटर करेला भिंडी लौकी तोरी, किसी भी टाइप की अगर फसलें हैं, ये आपके पास एक्स्ट्रा में हमेशा होना चाहिए। अगर आपके लीफ माइनर का अटैक है, नहीं है, तब भी आप इसका यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश है, कीटों को कंट्रोल करता है, टॉनिक की तरह काम करता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। डिटेल मेरा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में दोस्तों अगर आप टेक नहीं है लीफ माइनर का, तो फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप इसको यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्लोरिंग स्टेज में। और उसके साथ ही अगर अटैक है तो तभी आप कभी भी इसका यूज कर लीजिए। सभी प्रकार की फसलों में आप यूज कर सकते हैं। इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में आपको स्प्रे करना है। अटैक ज़्यादा है तो 1.5 ml आप यूज कर लीजिए, अटैक कम है शुरुआती स्टेज ही है या प्रिवेंटिव यूज कर रहे हैं तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में आपको स्प्रे करना है। 15-16 लीटर के टैंक में आपको ये यूज करना है, 15 से 20 ml आप यूज कर लीजिए। और 1 एकड़ के लिए 200 से आप 300 ml तक इसको यूज कर सकते हैं। ये 250 ml की बोतल आती है, 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है, ये यूज कर लीजिए। और प्राइस की मैं इसकी बात करूँ तो दोस्तों ये 250 ml की बोतल पे MRP है 950 रुपये, और 850 से 900 रुपये की समथिंग ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। तो प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जितना कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट है दोस्तों ऑर्गेनिक में बायो आर 303। अगर दोस्तों आपकी क्रॉप में और भी बहुत सारे कीटों का अटैक है, जैसे कि स्पेशली बैंगन की फसल में स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, शूट बोरर की समस्या आती है, लीफ माइनर की भी समस्या आती है, तरबूज में जैसे सुंडी का भी अटैक है, फ्लोरिंग स्टेज या फ्रूटिंग स्टेज में आपकी क्रॉप है, तो फिर आपको बेस्ट रहेगा कि आप कालिया गोल्ड अगर अवेलेबल हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर लें। ये छोटी सी बोतल आती है, इसकी डोज भी बहुत कम होती है, बट इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। अगर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए तो आप जरूर यूज कर लीजिए। हरियाणा में ये कुछ शॉप पे अवेलेबल होती है, गुजरात में भी कुछ जगह पे अवेलेबल है, तो अगर हो जाए तो आप इसको जरूर यूज कर लीजिए। अब दोस्तों ऑर्गेनिक में मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट बता दिए, सबसे बेस्ट तो यही है क्योंकि ये सबसे आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ऑर्गेनिक के बजाय अगर अटैक बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तब आपको पेस्टिसाइड में जाना चाहिए। पेस्टिसाइड में नंबर 3 पर 3 आपको मैं दवाइयां बताऊंगी, तो नंबर 3 पर 3rd नंबर पर है लेमडासाइहैलोथ्रीन। कराटे नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है, सिंजेंटा कंपनी की आती है, और ये लोक प्लस प्लस नाम से भी आती है, और भी बहुत सारी कंपनियों का लेमडासाइहैलोथ्रीन मार्केट में अवेलेबल है। परसेंटेज इनकी डिफरेंट होती है, तो डोज भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेमडासाइहैलोथ्रीन लोक प्लस प्लस इंसेक्टिसाइड, इसको आप यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1 ml पर लीटर के हिसाब से ही घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कर ले। ये अवेलेबल नहीं है तो आप कराटे को यूज कर लीजिए, और भी किसी कंपनी पे ना जा करके आप सिर्फ इसका टेक्निकल कंटेंट देखिए और किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। और लेमडासाइहैलोथ्रीन के मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक एक्शन आता है, यानी कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, लेकिन इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन आता है, इसलिए इफेक्टिव रूप से ये लीफ माइनर को कंट्रोल करता है। और 2nd नंबर की दवाई है, बेस्ट है, वो है दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोइट। इमामेक्टिन बेंजोइट बहुत सारी कंपनियों के मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि इम्बोस नाम से आता है, या इफ्को का भी आती है, सिंजेंटा की भी आती है, तो बहुत सारी कंपनियों का इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG फॉर्म में आती है, दानेदार फॉर्म में आती है, हल्की सी सेवई की सी आकार में ये आती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। 0.5 g/L के हिसाब से घोल तैयार करके आपको फसलों में स्प्रे करना है। जैसे कि स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर है, और भी बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करती है, तो आप इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी का आप यूज कर लीजिए। इमामेक्टिन बेंजोइट में भी दोस्तों ट्रांसलेमिनार एक्शन आता है, वैसे ये कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक एक्शन है, यानी कि ये कॉन्टैक्ट है, लेकिन इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन होने की वजह से बहुत ही इफेक्टिव रूप से कंट्रोल कर लेती है।
और नंबर फर्स्ट पर है, बहुत ही अटैक ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो सबसे बेस्ट है दोस्तों एबामेक्टिन 1.9% आती है। बहुत सारी कंपनियों की अभी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि एबासी नाम से आती है क्रिस्टल कंपनी की, तो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए। अटैक बहुत ज़्यादा है या आपकी क्रॉप में बार बार अटैक देखने को मिलता है लीफ माइनर का, तो आप पहले से ही इसको जरूर रखिए आपके पास में, स्पेशली टमाटर की क्रॉप में या तरबूज खरबूज की क्रॉप में जरूर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। माइट्स का अटैक है यानी मकड़ी वगैरह का अटैक है, किसी भी टाइप की मकड़ी है तो बहुत ही इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। उसके साथ ही माइटीसाइड होने के साथ साथ इंसेक्टीसाइड भी है, यानी इंसेक्ट को भी कंट्रोल करता है, लीफ माइनर को बहुत ही इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करती है। इसमें भी दोस्तों कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक एक्शन आता है, लेकिन ट्रांसलेमिनार एक्शन होने की वजह से इफेक्टिव रूप से लीफ माइनर को कंट्रोल करता है। तो नंबर फर्स्ट पर है एबासिन। एबासिन बहुत ज़्यादा अटैक का कंट्रोल नहीं हो रहा, तब आपको लास्ट में इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप सबसे पहले ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। ऑर्गेनिक आप यूज करेंगे, ऑर्गेनिक से कंट्रोल नहीं हो रहा है या आपने शुरुआत में यूज नहीं किया है, तब आप लास्ट में पेस्टिसाइड यूज कीजिए। दोस्तों जिन दवाओं से आप ऑर्गेनिक में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, उनको कोशिश कीजिए आप ऑर्गेनिक दवाएं यूज करें। अगर अटैक बहुत ज़्यादा है किसी भी टाइप के कीटों का या फंगस जनित रोगों का, तब आपको लास्ट में पेस्टिसाइड की तरफ जाना चाहिए। और भी किसी टाइप की क्रॉप में समस्या है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं उसी तरीके के आगे मेरे डिटेल वीडियो लाऊं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।